स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से, जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू कोट वालों की बोली का मरहम लगावें। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थित करते हैं, तो कभी उनके गुप्त गुह अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानी और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, अरे बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीप चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। अरे हट जा जीने जोगिये, हट जा कर्मा वालिये, हट जा पुत्तर प्यारिये, बच जा लंबे वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू कोट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसकी ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल चलता रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाकर घर पहुंचा। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है,
सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक न खुड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म है जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम आठ ही हो। आठ नहीं, 10 लाख, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब के कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब के गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गाट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगादारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख आए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने का ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लग गई। इधर लहना के हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ कर आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह सुनाया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुसे। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका,
दूसरे धावे को रोका, पर यहां थे 8, जिसमें से लेना सिंह तक तक कर मर रहा था। वो खड़ा था और सब लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़ी मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरुजी की फतेह, वाहे गुरुदी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारी सिंह के जवान आग बरसाते और सामने से लेना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लेना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और खाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लेना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों को दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो पदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लेना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लेना सिंह की जांग में पट्टी बांधनी चाही। बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वो गाड़ी में लेटाया गया। लेना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, ये देख लेना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। उस समय धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लेना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के घर आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ,
हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वो धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। ये सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे में पैरवी करने वो घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारी सिंह को चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता है। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े से निकल कर आया, बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह, पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों को एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे अभी 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगती है। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। आज ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पहुंचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला। उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हां भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हां अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हार्ट में ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप 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 टपक रहे थे। कुछ दिनों बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। बस यही थी कहानी।
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।